नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट स्पेशल। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली कंगना इन दिनों फिर सुर्खियों में आ गई है और इस बार कंगना किसानों के चल रहे प्रदर्शन को लेकर लाइमलाइट में आई है। दरअसल बॉलीवुड एक्टर दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत के बीच गुरुवार को जबरदस्त ट्विटर वॉर देखने को मिली। कंगना और दिलजीत के बीच ये बहस कृषि कानून को लेकर दोनों के विचारों के चलते हुई। हालांकि कंगना और दिलजीत के बीच तो ये मामला गुरुवार को ही शांत हो गया, लेकिन दोनों के फैंस ट्विटर पर दिलजीत वर्सेज कंगना ट्रेंड करा रहे हैं। कॉमेडी क्वीन भारती सिंह और उनके पति हर्ष इन दिनों ड्रग्स मामले को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इसी बीच अब भारती और हर्ष ने गुरुवार को अपनी शादी की तीसरी सालगिरह मनाई। इस खास मौके पर भारती ने अपने पति हर्ष को खास अंदाज में बधाई दी। भारती ने अपनी शादी और प्री वेडिंग की कई तस्वीरें मैरिज एनिवर्सरी पर सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। उनकी इन तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं, साथ ही उन्हें ढेर सारी बधाई भी दे रहे हैं। एक्टर जावेद जाफरी आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं। भूत पुलिस की शूटिंग और कुली नंबर 1 की रिलीज की तैयारियों में बिजी जावेद जाफरी ने अपने अभिनय से एक अलग छाप छोड़ी है। भले ही आज वो फिल्म इंडस्ट्री में एक स्थापित नाम है, लेकिन उनके पिता जगदीप को एक दौर में कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। एक शानदार एक्टर के बेटे जावेद जाफरी को भी अक्सर वंशवाद के सवाल का सामना करना पड़ा है। पिता की रखी बुनियाद का फायदा मिलने को लेकर जावेद जाफरी कहते हैं, इसके जरिए आपको सिर्फ पहला ब्रेक मिल सकता है, लेकिन दौड़ेंगे तभी जब खुद लंबी रेस के घोड़े बनेंगे। बाहुबली के जरिए दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ने वाले प्रभास अब आदि पुरुष में भगवान राम के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनकी हीरोइन कृति सेनन होंगी तो जो सीता का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। यही नहीं, इस मूवी में आपको प्रभास और सैफ अली खान के बीच मुकाबला भी देखने को मिलेगा। सैफ अली खान रावण की भूमिका में नजर आने वाले हैं। ऐसे प्रभास के साथ ही सैफ को लंकेश की भूमिका में भी देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं। रामायण पर आधारित ये फिल्म 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली है। बाहुबली की तरह इसे भी हिंदी समेत तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और कई विदेशी भाषाओं में रिलीज की जाने की तैयारी की जा रही है। सिनेमा घर भले ही अभी खुल नहीं पा रहे हो, लेकिन बॉलीवुड के कई सेलेब्स लगातार फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन अपने बेहतरीन एक्टिंग के साथ लोगों को एक बार फिर से दीवाना बनाने वाले हैं। जल्द ही वो अपनी फिल्म आने वाली धमाका की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने बेहद फनी अंदाज में इस बात का खुलासा कर दिया है। इस फिल्म का ऐलान उन्होंने हाल ही में अपने बर्थडे के मौके पर किया था। मिथुन चक्रवर्ती एक साल बाद छोटे पर्दे पर फिर वापसी कर रहे हैं। काफी लंबे वक्त से वो लाइमलाइट में नहीं थे, मीडिया में उनसे जुड़ी खबरें भी नहीं आ रही थी। कहा जा रहा था कि मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत ठीक नहीं है, उनको लीवर की समस्या थी जिसका उनका इलाज चल रहा था। मिथुन चक्रवर्ती बड़े पर्दे पर आखिरी बार 2019 में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ताशकंद फाइल में नजर आए थे। ये फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत पर आधारित थी। मिथुन बंगाली चैनल पर दो डांस रियलिटी शो में जज के तौर पर भी नजर आए थे। बॉलीवुड स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।